तो इसको मैं कल के वीडियो में बना बताया था कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कि उसका जो मुंह में से पानी निकल रही है, पैरों में थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में, तो वो चारा नहीं खा रही है। तो कल उसने थोड़ा सा भी चारा नहीं खाया। वो चने के लिए लेके गए थे, हमको पता नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है। और मैं कल टैबलेट लेके आ गया था, तो शाम को वो टैबलेट नहीं खाए थे, ऐसे उसको खिला दी। और आज दान जो है वो कल नहीं खा रही थी, आज खा रही थी, इसमें इसको खिला दिए। अब और दूसरी गाय यहीं पे वाड़े में ही है, बैठी है कुछ कर। तो अभी बजे है 2, और इसको आज जुताई करने लेके गया था, तो शांति से बैठा हुआ है। और ये जो गाय है उसको तबीयत खराब थी, उसको बुखार सा था वो, लेकिन मैंने उसको टेबलेट दे दी, तो अभी वो ठीक हो गई है, देख सकते हैं आप। खुली है, चारा भी ठीक से खा रही है। अब आज तक देखेंगे कल तक की, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वरना डॉक्टर को बुला लेंगे। तो अभी मैं इसको नहला दिया है, देख सकते हो आप, बहुत ही शांत स्वभाव की है। बाद में मैं लंबा वीडियो है पूरा, जो 6-7 मिनट का है, वो पूरा मैं डाल दिए है, तो आप चैनल चेक करके देख लीजिए। देख सकते हो आप कितनी अच्छी जो खड़ी है ये। आप कहीं पे भी यहाँ पे हाथ लगाइए, कुछ नहीं करिए, देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस तीनों गायों को नहला दिया है, और ये थोड़ी साफ नहीं हुए बराबर दोनों, लेकिन ये प्रॉपर साफ हो गए, देख सकते हो आप। क्योंकि ये अभी उम्र में छोटी है, तो जब तक वो जैसे उम्र उसकी बढ़ती है वैसे वो समझदार होती है, तो ये ज़्यादा लाते मारी थी, इसलिए मैं पीछे का जो है वो साफ नहीं कर पाया। लेकिन इसको आप देख सकते हो, इसको आप कहीं पे भी पानी डालो कुछ नहीं करेगी वो। तो ये मैं तीनों को नहला दिया था, और ये 2 बुलो और ये बछड़े को भी नहलाना था, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो कल नहलाऊंगा। और आज बस इतना ही।